पहला सवाल सवाल दिया हुआ है कि एंगल AOC प्लस BOE, AOC और BOE मतलब इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करने पर कितना मिलेगा, 70 मिल रहा है। दूसरा गिवन है हमको कि BOD मतलब इस एंगल की वैल्यू कितनी दी है, 40 दी हुई है। इसने कहा कि फाइंड करके दिखाओ कि BOE कितना होगा, BOE ये फाइंड करना है और साथ में COE इस वैल्यू का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो लाइन बनी हुई है AOB, ये जो लाइन बनी हुई है ये असल में तीन भागों में बटा हुआ है, 1, 2 और 3, मतलब इसको इसको और इसको, इन तीनों को ऐड करने पर कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तो चूंकि अगर देखा जाए तो एंगल AOC प्लस COE, एंगल COE प्लस BOE, एंगल BOE, इन तीनों को ऐड करके कितना मिलेगा, 180। अब AOC और BOE, इसको और इसको ऐड करने पर कितना दिया है, 70। तो इन दोनों की जगह लिखेंगे हम 70 प्लस एंगल COE इक्वल टू 180। तो एंगल COE की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 70 मतलब 110 आएगा। तो एंगल COE की वैल्यू कितनी आ गई, 110 आ गया। अब लेकिन हमें ये तो फाइंड करना नहीं, हमें फाइंड करना है इसका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स COE फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है, तो रिफ्लेक्स एंगल देखा जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा 180 से बड़ी होती है लेकिन 360 से छोटी होती है। तो अगर हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो हमें सीधा सीधा इस वैल्यू को 360 से माइनस करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्स एंगल किसका निकालना है, एंगल COE का। तो 360 माइनस एंगल COE, तो 360 माइनस COE की वैल्यू कितनी दी हमको, 110 दिया, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 250 आएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। अब दूसरा हमको फाइंड क्या करना है कि एंगल BOE ये एंगल फाइंड करना है। तो अगर देखा तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, मतलब इस एंगल को और इस एंगल को, इस मतलब ये भी तीनों को बटा हुआ है, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 180। तो हम लिख लेंगे एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180। तो BOD की वैल्यू हमें पता है कि 40 दी हुई है, प्लस BOE हमको निकालना है और साथ ही साथ COE की वैल्यू हमने निकाली हुई है 110 इक्वल टू 180। इनको और इनको ऐड करें कितना मिलेगा, 150 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180। तो एंगल BOE की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 150 मतलब कि 30। तो एंगल BOE की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब नेक्स्ट सवाल हमारा दिया हुआ है कि अगर POY कितना दिया, 90 दिया है, और A रेशियो B इक्वल टू 2/3 दिया, मतलब A अपॉन B इक्वल टू 2/3 दिया है। तो हम लेट कर लेते हैं, A इक्वल टू 2x और B इक्वल टू 3x, क्योंकि अच्छा देखा जाए तो हम A की वैल्यू लेट करेंगे, मतलब A की कंपोनेंट लेंगे, अलग अलग कंपोनेंट नहीं ले सकते, x और y नहीं ले सकते, सिर्फ अगर x लेंगे तो x ही लेंगे, इसीलिए हमने A इक्वल टू 2x और B इक्वल टू 3x लिया है। तो अगर देखा जाए तो अगर ये हमारा क्या हो गया, 2x, ये हमारा हो गया 3x, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, ये भी तीन भागों में बटा हुआ है, मतलब इसको इसको और इसको, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 180। तो 3x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल टू 180। तो इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 5x इक्वल टू 180 माइनस 90, इनको माइनस करेंगे कितना आएगा, 90 5x, अब 5 उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 90/5, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 18 आएगा, क्योंकि 85 जो 90 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब इस x की वैल्यू इसमें भी और इसमें भी पुट करेंगे, तो अगर देखा है तो a इक्वल टू क्या है, 2 × 18 इक्वल टू 36, a की वैल्यू आ गई, मतलब एक एंगल हमारा आ गया 36। इसी तरह b इक्वल टू क्या है, 3 × 18 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 54। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 54। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है सी। तो अगर देखा है तो MOZ जो बन रहा है उसमें बी और सी को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तो अगर देखा है तो बी प्लस सी इक्वल टू 180 आया, तो बी की वैल्यू कितनी दी है, 54 प्लस सी इक्वल टू 180, तो सी इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 54। तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच इसने इसके कही दिया बचा 7, 7 में से 5 गया बचा 2, तो 126 आ गया। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आई, 126। नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल दिया हुआ है कि एंगल POR मतलब PQR था, PQR और PRQ ये दोनों क्या इक्वल है, अगर मान लिया जाए इक्वल तो इसको हम x ले ले और उसको भी क्या ले ले, x। तो हमें लिख लेते हैं PQR इक्वल टू एंगल PRQ इक्वल टू हमारा क्या है, x है। अब साथ में हमें देखना है, हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो अगर देखा तो ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है और ये दो भागों में बटा हुआ है, तो मतलब इसको और इसको प्लस करेंगे कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तो हम लिख लेंगे PQS एंगल PQS प्लस PQR इक्वल टू 180। सिमिलरली इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, सिमिलरली हम ले लेंगे इस एंगल को भी और इस एंगल को भी लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तो लिख लेंगे एंगल PRT प्लस एंगल PRQ
इक्वल टू 180, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अभी दोनों देखा है तो दोनों में 180 180 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखा जाए तो पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों को हमने क्या माना था, एक्स माना था, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एक्स इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एक्स, अब एक्स एक्स दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही हमको प्रूफ करना था और यही हमारा प्रूफ हो गया है। तो आज के लिए इतना ही।